हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही यूनिक एक कॉम्पैक्ट कंपोजिशन कैसे बनाएं, इसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही यूनिक एक कंपोजिशन है। चलिए, वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। पहले ड्राइंग को फॉलो करके ये ग्रिड बना लीजिए और ग्रिड का हिसाब से ड्राइंग कर लीजिए। मैं ड्राइंग दिखाता हूँ जो इमेज से फॉलो करके मैंने बनाया। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारा हनुमान जी का मूर्ति है सेंटर में और एक बड़ा वाला मूर्ति है। तो बहुत ही डिटेल एक काम है, इसका पूरा प्रोसेस ये लेफ्ट साइड में फोटोग्राफ देख लीजिए। आप मेरा वीडियोस को पसंद करते हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साइड में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये पूरा म्यूरल यहाँ पे बनाएंगे, ये कॉपी वर्क है। तो चलिए, यहाँ पे मिट्टी लगाना स्टार्ट करता हूँ। ये भी गंगा मिट्टी है, नेचुरल गंगा मिट्टी। आप लोगों का पास स्मूथ जो भी मिट्टी होगा उसी मिट्टी में आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, एक छोटा छोटा बॉडी वर्क, ये आप मान के चलिए 4 इंच का मैक्सिमम फिगर है। तो ये छोटा छोटा मूर्ति रिलीफ कैसे बनाए एक बार देख लीजिए। बहुत ही डिटेल है काम, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे पहले बॉडी का मतलब बॉडी पार्ट जो है मेन, इसमें मैं पहले मिट्टी लगा रहा हूँ। जो टेराकोटा डिज़ाइन होता था वो बहुत ही डिटेल है, बहुत सारा फिगर वहाँ पे रहता है। तो सेम प्रोसेस में आप ये काम कर सकते। जैसे बॉडी हो गया, नीचे वाला पैर का मिट्टी लगा रहा हूँ। तो पहले क्या, फिगर में जो ड्राइंग मैंने बना लिया, ये ड्राइंग को फॉलो करके पहले पूरा के पूरा मिट्टी लगा देंगे। और ज़्यादा डिटेलिंग करना चाहते, ज़्यादा रिलीफ करना चाहते तो उसमें पीछे का तरफ थोड़ा लॉक हो सकता है, तो उस टाइम आपको रबर मोल्ड ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे मिट्टी पूरा के पूरा, जैसे बॉडी हो गया, पैर हो गया, अभी हाथ लगा रहा हूँ। बहुत डिटेल काम है आपको, इसीलिए जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में भी ग्रिड मैंने देखी एक बार, ड्राइंग में भी मैंने सेम ग्रिड बनाया। और जो क्ले टाइल्स जिसके ऊपर काम हो रहा है उसमें भी सेम ग्रिड मैंने बना लिया। तो दोनों में सेम प्रोपोर्शन आना चाहिए फिगर में भी, ताकि इतना सारा फिगर आप जब बनाएंगे तो उसमें उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कंपोजिशन ठीक से नहीं बनेगा। कॉपी वर्क जब बनाएंगे तो उस टाइम ठीक नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको, नहीं तो आप एक काम कर सकते, पेपर पे सेम कंपोजिशन पहले ड्रॉ कर लीजिए और उस पेपर सेम साइज लेकर मिट्टी में रखिए और टेंसिल कर लीजिए। तो चलिए, अभी फिगर का मिट्टी लगा दिया, अभी हल्का हल्का करके पानी देकर आप हाथों से स्मूथ कीजिए, है ना। बॉडी का जो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे ज़्यादा प्रेस कीजिए। तो ये जो सरफेस है ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हाथ है सबसे इम्पॉर्टेंट एक टूल्स, बाकी तो आपका पास जो भी है उसमें काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए एक सरफेस आपका निकल के आ गया। जो आगे वाला हिस्सा है तो आगे है, पीछे वाला हिस्सा थोड़ा पीछे है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है बॉडी का, ये आपको हाथों का प्रेस का हिसाब से, प्रेस का साथ साथ बनाना पड़ेगा और सरफेस भी आपका स्मूथ हो जाएगा।
तो आपको एक एक फिगर को एक एक साथ कंप्लीट करके जाना चाहिए। तो क्या होगा, आपका काम में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, काम कंप्लीट भी एक साथ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फिगर है। देखिए मैंने अभी भी ग्रीड लाइन रख दिया क्योंकि आपका ड्राइंग का साथ साथ प्रोपोर्शन का साथ साथ डिज़ाइन एलिमेंट भी और भी है। देखिए मैं जैसा मिट्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे एक ही साथ जो डायमेंशन है साथ साथ फॉलो करके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि क्या ज़्यादा लगा दिया बाद में इसको स्कूप कर रहा हूँ तो जो आउटर लाइन है ये खराब हो सकता है। इसीलिए जितना चाहिए उतना ही लगाइए ताकि आपका काम पहले से ही नीट एंड क्लीन। ये बहुत डिटेल काम है, इसमें पेशेंस आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एक साथ नहीं होगा तो आप ढक दीजिए पॉलीथीन से, है ना, पॉलीथीन में ढक के फिर से नेक्स्ट दिन काम कीजिए। भीगा कपड़ा भी ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ट्री देखिए, एक एक हनुमान जी का पीछे एक छोटा सा ट्री का फॉर्म है। तो इसको कैसे बनाएं? एक पीस आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, कितना सिंपल फॉर्म है। आज इसमें बाकी जो भी है जैसा फेस है पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाता हूँ कंप्लीट करके। यहाँ पे देखिए ट्री का फॉर्म जो इमेज पे है, पहले से फिनिश करके काम कंप्लीट करना है क्योंकि ये मोल्ड होगा, मल्टीपल प्रोडक्शन होगा, तो ये मास्टरपीस है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एक एक चीज़ एक एक एलिमेंट को टाइम देना पड़ेगा। मैंने ये काम 2 से 3 दिन लगाया, पूरा टाइम नहीं दिया, फिर भी आपको 2 घंटा मान के चलिए, 2 घंटा 3 घंटा आपको एक एक दिन में देना चाहिए। और एक एक साथ आप पूरा दिन काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा। और काम भी अच्छा नहीं होगा। चलिए ये फेस बनाने का प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे बना के इसको पीओपी मोल्ड ले लिया था और इसको कास्टिंग कर लिया। यहाँ पे देखिए साइड में जो 12-13 जो हनुमान जी का फेस है, ये फेस मैंने यहाँ पे सेम फेस को रिपीट करके लगा देता हूँ। सिर्फ एक्सप्रेशन थोड़ा इधर उधर होगा, जेस्चर अलग है। इस टाइप का काम पे बहुत डिटेलिंग है, जैसे लीव्स है, कुछ डिज़ाइन डेकोरेटिव पार्ट है, एक एक फिगर है, फिगर का भी हाथ में भी अलग अलग फ्रूट्स है। तब को हर चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए लीव्स कितना सुंदर है। तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ प्रोसेस है, बाकी आपको टाइम देना है। देखिए एक एक फिगर का भी जहां तक मैंने कंप्लीट किया था, इसके बाद यहाँ पे हैंड्स है ना, फिंगर्स, एक एक फ्रूट का डिटेलिंग। यहाँ पे ऑर्नामेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मेन फिगर का है।
तो फिर भी जो क्लॉथ है, तो ये डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन फिगर का भी, यहाँ पे जो इमेज आप लोग देखते, यहाँ पे मेन फिगर का कॉस्ट्यूम थोड़ा अलग है, क्राउन भी अलग होगा। फेस का भी देखिए, मेकिंग प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। आइज थोड़ा बड़ा होगा साइज का हिसाब से, और हनुमान जी का ये नोज का नीचे वाला जहाँ पे लिप्स होगा ये थोड़ा रिलीफ होता है, तो वहाँ पे मिट्टी ऐड कर लीजिए। इस इमेज में टीथ का जो फॉर्मेशन है ये उभरा हुआ है, मतलब बाहर का तरफ है, तो सेम ऐसा ही बनाना पड़ेगा मेरे को। नोज भी थोड़ा अलग होता है, जैसा ह्यूमन फिगर का जैसा नोज, ये थोड़ा अलग है, मतलब आगे का तरफ एकदम पूरा वी शेप का, और आगे का तरफ जो नोज का पॉइंट है वो थोड़ा आगे का तरफ आ जाता है कंटिन्यूएशन। आपको हर चीज नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन होगा तो एक काम जो मास्टरपीस है ये अच्छा होगा, तब का पूरा काम अच्छा होगा। तो इसीलिए जो मास्टरपीस है इसमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने और वीडियोस लंबा नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये पोर्ट्रेट जो है इसको मैंने जो मोल्ड था इससे लगा दिया। ये एक एक फिगर देख लीजिए, कुछ नहीं है, जस्ट सेम प्रोपोर्शन में सेम फिगर है, अलग अलग जेस्चर, ये कंप्लीट हो गया। बॉर्डर लाइन दिखाई दे रहा है, बॉर्डर में भी कॉइल, तीन कॉइल लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक एक फ्रूट्स का भी देखिए टेक्सचर अलग कर दिया, इसमें कुछ ऑर्नामेंटेशन मेन फिगर में कर दिया, कुछ ज्वेलरीज ऐड कर दिया जस्ट कॉइल लगा के, और क्राउन को भी देखिए यहाँ पे पिकॉक का एक फॉर्मेशन है सिंपल, जस्ट गोलाई गोलाई राउंड कुछ डिजाइन इम्प्रेशन दे दिया। ठीक है, और पूरा के पूरा एक फ्रेम में डाल दिया। ये फ्रेम भी देखिए यहाँ पे जस्ट तीन कॉइल डाल के सेंटर वाला कॉइल को कुछ स्क्रैच करके इसको कंप्लीट कर दिया। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, और ऑल वीडियोस आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू।